सर, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं, वित्तीय है, आटे आटे के लिए वो मोहताज हो गया है, क्या कहेंगे इन परिस्थिति पे? पाकिस्तान जो करता है उसका परिणाम किस तरह भुगत रहा है? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि चाहे कुवैत कश्मीर हो चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे या तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो चाहे ऑक्यूपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो, हम तो यही कामना करेंगे। चाइना की अगर बात करें तो चाइना कोरोना की महामारी के बाद भारत की जिस तरह अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हम ब्रिटेन से भी अच्छी अर्थव्यवस्था है, चाइना बार बार आग दिखाता है, किस तरह से उसको सबक सिखाने के लिए या भारतीय सीमा सेना तैयार है? ये चाइना को अच्छी तरह मालूम है, मैं समझता हूँ मुझे उस संबंध में टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इकॉनमी की साइज यानी अर्थव्यवस्था के आकार का प्रश्न है, इस समय भारत दुनिया की टॉप 5 इकॉनमीज में आकर जो खड़ा हो चुका है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अब यह मानने लगे हैं कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकॉनमीज में, अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, 2047 आते आते दुनिया की टॉप इकॉनमी बनकर यह खड़ा हो जाएगा।